अवध का यह ऐसा धार्मिक त्यौहार जिसमें हिंदू व मुस्लिम एक साथ शामिल होते हैं। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर की स्थापना को लेकर अनेक मत हैं। एक मत के अनुसार अवध के छठे नवाब शहादत अली खां की मां छत्तर कुंवर ने मंदिर का निर्माण कराया था। अवध ने नवाब शुजाउद्दौला की यह बेगम हिंदू थी और चूंकि शहादत अली खां मंगलवार को पैदा हुए थे इसलिए प्यार से उन्हें मंगलू भी कहा जाता था। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है इसीलिए हिंदू के साथ साथ नवाब की आस्था भी इस दिन से जुड़ी रही है। छत्तर कुमार को बेगम आलिया भी कहते थे। इसकी आस्था की बदौलत मंदिर का निर्माण हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार हिवेंट पाली टेकिंग के पास एक बाघ होता था जिसे हनुमान बाड़ी कहते थे क्योंकि रामायण काल में जब लक्ष्मण और हनुमान जी सीता माता को वन में छोड़ने के लिए बिठूर ले जा रहे थे तो रात होने पर उसी स्थान पर रुक गए थे। उस दौरान हनुमान जी ने मां सीता माता की सुरक्षा की थी। बाद में इस्लामी काल में उसका नाम बदल कर इस्लाम बाड़ी कर दिया गया था। कहा जाता है कि एक बार बेगम के सपने में बजरंग बली आए थे। वह सपने में इस बाग में अपनी मूर्ति होने की बात कही थी। अतः बेगम ने लव लास्कर के साथ जब जमीन को खुदवाया तो वहां पर प्रतिमा गढ़ी पाई गई। इस प्रतिमा को उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ एक सिंहासन पर रखकर हाथी पर रखवाया ताकि बड़े इमामबाड़े के पास मंदिर बनाकर प्रतिमा की स्थापना की सके। किंतु हाथी जब वर्तमान अलीगंज के मंदिर के पास पहुंचा तो महावत को कोशिश के मौजूद आगे बढ़ने के बजाय वहीं पर बैठ गया। इस घटना को भगवान का अलौकिक संदेह समझ गया। मूर्ति की स्थापना उसी स्थान पर होगी चाहिए अतः मंदिर का निर्माण उसी स्थान पर सरकारी खजाने से कर दिया गया। यही अलीगंज का पुराना हनुमान मंदिर है। मंदिर के शिखर पर चांद का चिन्ह आज भी देखा जा सकता है। बड़े मंगलवार को बनाने के पीछे तीन मुख्य मंत हैं। एक मंत के अनुसार शहर में एक महामारी फैल गई जिसके घबरा कर काफ़ी लोग मंदिर में आकर रहने लगे थे और बच गए थे। उस समय जेठ का महीना था। उसी दिन से जेठ के मंगल भंडारा उत्सव होने लगा। दूसरे मंत्र के अनुसार एक बार यहाँ पर इत्र का मारवाड़ी व्यापारी जटमल आया लेकिन इसका इत्र नहीं बिका। नवाब को यह बात पता चला तो उन्होंने पूरा इत्र खरीद लिया। इससे खुश होकर जटमल ने मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया और चांदी का छत्र भी चढ़ाया। कुछ लोगों को मानना है कि नवाब वाजिद अली शाह के परिवार की एक महिला सदस्य की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मंदिर में दुआ से वह ठीक हो गई। वह दिन मंगलवार था और जेठ का महीना भी था किंतु इतिहास के परिपेक्ष में कुछ कह पाना संभव नहीं। परंतु आस्था के स्तर को बड़ो मंगल के ये तीन मुख्य कारण हैं। इसी समय से शुरू हुआ और बड़ा मंगल लगातार जारी है। जहां जहां भंडारे के साथ हिंदू मुस्लिमों दोनों ही शामिल होते हैं। समय के साथ सब कुछ बदलता रहा। गुड़ चना और भुना गेहूं से बनी गुड़धनिया से शुरू हुई भंडारे की परंपरा अभी भी चली आ रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल से भंडारे समाज सेवा के रूप में तब्दील हो गए। हिंदू मुस्लिम एक साथ भंडारा करते हैं। यहां की अपनी एक ही अलौकिक परंपरा है। ऐसी परंपरा अवध के बाहर कहीं नहीं मिलती। समय के साथ बदलाव हुआ तो भंडारे का स्वरूप भी बदल गया। पूरी सब्जी के साथ लोग मटर पनीर चाउमीन छोले भटूरे व आइसक्रीम पानी के बतासे सहित युवाओं को पसंद के भंडारे लगने लगे जो कि धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।